लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। यहां दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होने वाला है और बीजेपी दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। और इस बीच बीजेपी प्रत्याशियों की जीत के लिए फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत राजस्थान के कई लोकसभा सीटों पर दौरा करेगी। सियासी संग्राम में कंगना का प्रचार, दो दिन के प्रदेश दौरे पर कंगना पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगी प्रचार। दूसरे चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के प्रचार का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ रहा है। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रदेश में प्रचार के लिए आ रहे। इसी कड़ी में अब फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत प्रदेश दौरे पर आ रही हैं, जहां वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए रोड शो करेंगी। राष्ट्रवादी नेत्री और मंडी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत जोधपुर में हमारे लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह जी शेखावत के समर्थन में एक रोड शो का आयोजन होने वाला है। यह रोड शो चौपासी हाउसिंग बोर्ड में उस क्षेत्र में रहेगा और करीब करीब 1.25 किलोमीटर लंबा यह रोड शो रहेगा। कंगना रनौत पाली, बाड़मेर और जोधपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो करने जा रही है, जिसके लिए कंगना 23 और 24 अप्रैल को प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। 23 अप्रैल को वो पाली लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी उम्मीदवार पीपी चौधरी के पक्ष में रोड शो करेंगी। ये रोड शो दोपहर 3 बजे होगा। 23 अप्रैल को शाम 7 बजे बीजेपी के जोधपुर से उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में रोड शो करेगी और इसी के साथ ही 24 अप्रैल को बाड़मेर में बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगी। बाड़मेर में रोड शो समापन के बाद कंगना रनौत वापस दिल्ली के लिए हवाई मार्ग से रवाना होगी। फिलहाल बीतते वक्त के साथ स्टार प्रचारकों के प्रदेश दौरे भी रफ्तार से पड़ रहे हैं और आने वाले 2 दिन तक ऐसे ही नेताओं के आने का सिलसिला तेज होगा। अब देखना होगा कि नेता पार्टी प्रत्याशी की जीत के लिए जो पसीना बहा रहे हैं उससे उन्हें कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।